गांव गोड़ा खुर्द के आर्मी एरिया में 100 मीटर लंबी सुरंग मिलने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, जिसकी जानकारी में सेंटर इंटेलिजेंस कुलदीप सिंह और डीएसपी जोगिंदर सिंह ने बताया कि गांव के कुछ युवा रनिंग करने के लिए अक्सर इस एरिया में आते हैं और आज जब वह रनिंग कर रहे थे तो उनमें से एक युवक का पैर गड्ढे में फंस गया। जब वो गड्ढे से पैर को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सुरंग वहां पर मौजूद है, जिसकी जानकारी में उन्होंने पुलिस को बताया। जब पुलिस ने आकर देखा तो सुरंग कम से कम 100 मीटर लंबी थी, साथ में इसमें कुछ मिट्टी के टूटे हुए बर्तन, कुछ लोहे की छड़ियां भी बरामद हुई हैं। उन्होंने कहा कि सुरंग छोटी ईंट यानी कि नानकशाही ईंट से बनी हुई है, काफी पुरानी सुरंग है। हो सकता है कि यह सुरंग ब्रिटिश जमाने की हो जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाई गई हो। ये गुफा जी 3-4 दिन पहले देखी है, मुड़िया ने सवेरे दौड़ लाने आते हैं, इन्होंने देखा इतों जा रहे दौड़ ला गए, इन्हों कोई अजीब जी चीज़ लभी जितना गिद्ध होंगी है वह पिछा करते आए, थोड़ी दूरी पर 50 मीटर दूरी होनी है, उत्थे देखा छोटा जहा होल होया ही तो वह पैर आ गया। उस टाइम तो उन्होंने ध्यान दिता नहीं, फिर सवेरे आके देखा उन्होंने बेच गए ना, उन्होंने देखा जी गुफा सिस्टम है। ये गुड़े पिंड के नाल ही है, लागे साइड से जगह पैंती है, नहर आती है इतों सामने साड़ी पिछे की, तो नहर के नाल आर्मी है, तो आर्मी के साइड से जगह हैगी है। तो 4 दिन पहले की गल है, पर आप रनिंग करने सुबह सवेरे सवेरे आने हैं, तो आप इधर कोई चीज़ वेखी तो इधर न आए वापिस सड़क तो अंदर न आए जिधर मतलब कि ये चीज़ बनी हुई है, तो मेरा पैर उतों भी बिचे फसया मिट्टी के बिच, तो मैं देखा भी पता नहीं की चीज़ हैगी, तो जल्द मैं डाउन होकर देखा तो मतलब कि पूरी लाइन जी बनी, अंदर बंदा खड़ा हो सकता जी। फिर आप घर गए, घरों टार्च लैके आए, फिर आप अंदर आए थे, तो उदों की परसों जो तो डिटेक्ट की हुई है सारे ने जगह मिले, कुछ नहीं है, एक भांडा भज्जा है थले, ये तुम देख सकते हो उत्थे, तो एक हड्डियां हुड्डियां पईयां शायद जानवर जंगली जानवर अंदर आते होने, बाकी होर कुछ नहीं मिले, एक लोहे का राड लगा इतने, होर कुछ नहीं है इतने बस। ये पुरानी सुरंग जी है ये अंदर जाके देखा ही, पुरानिया जड़िया चीज़ा पईया इतने, मिट्टी के बर्तन पे है, ये सुरंग जी है अंग्रेजों के टाइम की बनी है, हैंडमेड जी है, इटे से लगी है चूने नाल, बिल्कुल अंदर जरा जाके बंदा जरा खड़ा हो सकता, मतलब 100-150 बंदा जरा अंदर एट ए टाइम जरा खलो सकता, अंदर जा सकते, उत्ते प्लाट कट्टे हुए हैं, फेंसिंग हुई है अपने अपने प्लाट की, किसी ने सारे ने की है, ये लागे जी है 100 गज तो आर्मी है, और आर्मी वाले पास जा रही है, अगे जाके बंद हो जाती है, तो चमगादड़ पर जो हड्डियां हुड्डियां पे अंदर, और कुछ सानू कुछ दिखाया नहीं इतों, मतलब साढ़े सोर्सा ना ही पता लगा कि इतने कल कोई बच्चे खेल रहे ही, उन्होंने कोई बाल बुल इधर आके डिग गई है, वो जो आए उन्होंने जाके इतने दसिया, आही आके इतने जो चैक किया इनू, तो वाकया जी सुरंग है। इनफोरमेशन मिली सी कि माधोपुर गोड़ा माधोपुर पिंड जिते कोई टनल है, उसी चैक किया, तो अज असी फोर्स भी चैक किया, अंदर जाके भी देखा, ये इस तरह पता अंदर इटा लगिया हुई ने, इस तरह लगता भी काफ़ी पुरानी है, ये ब्रिटिश एरिया दी जां ब्रिटिश एरिया तो थोड़ा पहला दी हो सकती है, तो जो इस पिंड दे एक बजुर्ग सीगे ओल्ड एज अबव 90 ईयर रला राम जी, असी उन्होंने पूछा भी ये की हो सकता, वो कहिंदे भी असी जदों आए सीगे पाकिस्तान बन तो बाद तो इत्थे देखा सीगा भी ये लगता है हो सकता भी ड्रेन ना हो पुरानी जिहड़ी छापरगंडी तो निकली सी अंग्रेजां दे टाइम दी, जां फिर होर लोगों को पुछया वो कह रहे हैं भी इत्थे पुराना ही समय च असी पता लगा सी भी किसी ने कोई फैक्ट्री भी लगाई सी इस जगह ते, ये भी पता चलिया काफ़ी वड्डी वड्डी दीवारां सीगियां, ते वो दीवारा हो सकता किसी पुराने किले दी होणगियां, ते इस करके है भी इहदा कोई नवीं नहीं है, काफ़ी पुरानी है, ब्रिटिश एरिया दी है, ते पुरानी बिल्डिंग है कोई जां किले नाल रिलेटड है जां कोई ड्रेन है, ये जरूर असी हुण अपने सीनियर अफसर ने नोटिस लिया के ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।